पा सका। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीका बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकेंड में आप ये सवाल हल कर लोगे। देखते रहिएगा हमारा सवाल। जब राशि कर्णीगत हो, यह एग्जाम अक्सर SSC, रेलवे, बैंकिंग, CGSL या सभी तरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं सवाल पर। दोस्तों हमारा कर्णीगत सवाल पर यह राशि देखते हैं। अंडर रूट 12, 12 प्लस 12, 12 दिया गया, ये इन्फिनिटी अनंत बार दिया गया है। दोस्तों यह ध्यान रखना है, प्लस में और अनंत बार दिया हो तो हमको 12 को ऐसे त्रिक में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर और डिफरेंस मतलब अंतर करने पर 1 आना चाहिए। दोस्तों चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। 12 12 12 करनी तो इसे 12 को अलग निकाल लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों 12 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो हम 3 × 4, हमारा 2 ऐसा गुणनखंड है जो तोड़ने पर 12 आ जाता है। अब डिफरेंस करने पर, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ प्लस दिया गया है, प्लस 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 ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला गुणनखंड आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अगर यही माइनस 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 यही अंतर माइनस में दिया होता तो हमारा छोटका वाला ये 3 आ जाता हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। अंडर रूट 6 + 6 + 6 + दिया गया है, क्या अनंत बार इन्फिनिटी। ध्यान रखना दोस्तों प्लस में दिया गया है, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि 6 का आ जाए। दोस्तों 6 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 6 को ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे 2 में कि आना चाहिए और अंतर 1 आ जाए, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 3। गुणा करने पर 6 आता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 और अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्रमागत संख्या क्रमागत रहना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ये वाला बड़का वाला। अगर यही माइनस में दिया रहता तो हमारा आंसर 2 आता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हमारा माइनस में दिया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कैसा बनेगा। देखती ही आसान से आसान तरीके आप बता सकते हो। अंडर रूट 6 माइनस 6 माइनस 6 इन्फिनिटी मतलब अनंत बार दिया गया है दोस्तों, तो हमारा 6 बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसा गुणन करेंगे दोस्तों, यही देख लिए 2 × 3, 2 गुणनखंड में तोड़ लिए हैं दोस्तों इसको, और इसका अंतर 1 रहना चाहिए। आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, यही माइनस वाला सवाल दिया गया था, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगर ये प्लस में दिया रहता दोस्तों तो हमारा आंसर ये बड़का वाला 3 आता, लेकिन यह माइनस दिया गया है तो यहाँ 2 आएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों 56 वाला देखते हैं। अंडर रूट 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस माइनस में दिया गया है दोस्तों, अनंत बार दिया गया है, तो इसका कैसा गुणा करें कि इसका गुणनखंड तोड़ने पर 56 आना चाहिए और डिफरेंस करने पर 1 आना चाहिए। दोस्तों तो 56 को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ 56 कैसे कौन सा गुणा करे कि 56 आ जाए, 7 × 8 = 56। इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 56 आएगा दोस्तों, और इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अगर यही की जगह प्लस वाला दिया रहता तो हमारा आंसर बड़का वाला आ जाता, लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या दिया गया है, माइनस वाला सवाल है हमारा, तो माइनस में क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 7, छोटका वाला ये वाला। आज आप लोग को मैं ऐसे चुटकियों में देखते ही आंसर का टिक लगा दोगे दोस्तों, चुटकियों में बताऊंगा कैसा सवाल, आसान से आसान ट्रिक। ये देखिए सवाल, अंडर रूट 3 + 3 + 3 + इन्फिनिटी अनंत बार दिया गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यह हम विषम में दिया गया है, सम में दिया रहता तो हम बना सकते थे दोस्तों, लेकिन विषम में दिया गया दोस्तों तो द्विघात समीकरण से बनाने से बहुत टाइम लग जाएगा।
तो हम शॉर्ट तरीका बनाते हैं दोस्तों, एकदम आसान से आसान तरीका दोस्तों, देखते ही आप लोग टिक लगा दोगे कैसा आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा हम सवाल बना रहे हैं दोस्तों। ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम को देखने को मिला है। जैसे कि 3 दिया गया, 3 को बाहर निकाल लिए हम, 3 का ऐसा कौन सा गुणा करें कि गुणा करने पर 3 आ जाए दोस्तों, देखते हैं, और डिफरेंस करने पर 1 आ जाए। तो हमारा विषम संख्या ऐसा, तो प्लस वाला दिया गया है, तो प्लस मतलब 3 के बाद ही सोचेंगे। जैसे 4 दे देते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो 3 गुना 4 करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो 4 के लिए 5 करते हैं, 4 के लिए 2 गुना 2 करेंगे तो 2 का 2 4 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस हमारे क्या है, आ ही नहीं रहा है डिफरेंस। तो 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए भी नहीं है, 6 देखते हैं दोस्तों, 6 के लिए। 3 के बाद देखेंगे, अगर माइनस में दिया रहता तो इधर 3 से छोटा वाला देखते दोस्तों, तो 6 कितने किससे गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 गुणी 3, 2 गुणी 3 करेंगे दोस्तों, 6 आ जाएगा, और इसका अंतर हमारा 1 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अगर प्लस में दिया रहेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 व 3 के बीच में। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, कोई आसान तरीका, सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये। दोस्तों 5 वाला देखते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस इन्फिनिटी मतलब अनंत बार दिया गया है दोस्तों, ऐसा कौन सा गुणा करे कि इससे अधिक लेना है, 5 से अधिक लेना है हमको दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में बनाना है हमको, देखते ही आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, 5 को पहले निकाल देते हैं यहाँ से, 5 कैसे, 5 से अधिक संख्या लेना है तो 6 ले लेते हैं, ऐसा गुणा करें कि 6 आना चाहिए और अंतर 1 आना चाहिए दोस्तों। तो हम गुणा करते हैं 2 गुणी 3, हम 2 से 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों हमारा, और अंतर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, 2 व 3 के बीच में, 2 व 3 के बीच में। अगर यही दोस्तों सवाल माइनस में रहता तो कैसे लेते, अगर माइनस में रहता तो 5 से कम वाला लेते, जैसे 4 को देखते 2 गुणे 2 4 आ रहा है, लेकिन उसमें अंतर नहीं आ रहा है, तो 3 का लेते 3 का नहीं आ रहा है, तो 2 का लेते दोस्तों, तो माइनस देखते हैं दोस्तों इसका, हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर यही सवाल माइनस में दिया रहता तो क्या करते, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 इन्फिनिटी ऐसा दिया गया है दोस्तों, तो इसका मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 को निकाल लेते हैं यहाँ पर, ऐसा गुणा करे कि गुणा करने पर और तोड़ने पर 1 आ जाए, अंतर करने पर 1 आए हमारा, गुणा करने पर भी और अंतर करने पर 1 आए, और गुणा करने पर क्रमागत रहे, तो 5 से कम वाला लेंगे दोस्तों। द्विघात समीकरण बना से कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, शॉर्ट तरीका समय बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से 5 लाने के लिए हम क्या तोड़ दे हैं, 4 लेंगे तो 2 गुणा 2 अंतर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये वाला नहीं बनेगा। 3 के लिए देखते हैं दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणित 1 करेंगे तो 3 एकम 3 का अंतर हमारा 2 आ जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो 2 और 1 के लिए देखते हैं दोस्तों, तो 2 गुणा 1 ऐसा ट्रिक लेंगे जो गुणा करने पर 2 और अंतर करने पर 1 आ रहा हो, और किससे कम, 5 से कम लेंगे, माइनस में दिया गया है, तो अगर प्लस में दिया रहता तो 5 से अधिक वाला लेते हैं दोस्तों। तो गुणा करने पर 2 आ रहा है और अंतर करने पर 1, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, 1 व 2 के बीच में आंसर हमारा ये है दोस्तों। अगर इसी टाइप के 3 वाला बनाते हैं दोस्तों, जैसे कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, इन्फिनिटी अनंत बार दिया गया है दोस्तों, तो कैसे बना से, इसको माइनस में दिया गया है तो इसको फिर तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि इसका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों। तो हमारा ऐसे 2 गुणा 2 तो हमारा अंतर 2 है,
और इसका अंतर निकालेंगे तो एक हो जाएगा, तो ये इसका आंसर एक व दो के बीच में होगा दोस्तों इसका आंसर। ऐसा ट्रिक आप लोग को कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जब राशि गुणा में हो अंतर पर ना हो, देखिए दोस्तों जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे आर के शॉर्ट एम ट्रिक को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये वाला चैनल है मेरा, हमारे चैनल का नाम है आर के शॉर्ट एम ट्रिक, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों एवं शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों सवाल बनाते हैं हमारा। जैसे कि अब प्लस 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 दिया गया दोस्तों, अगर यही गुणा पे दिया गया है तो क्या करेंगे दोस्तों? दोस्तों अगर यह गुणा पर दिया गया है तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस का तस लिख देंगे। अगर यही प्लस माइनस में दिया रहता तो इसका अंतर निकालते, अंतर और इसका गुणा करते। जैसे कि देखते हैं दोस्तों एक से एक से एक से इंटू दिया गया है, अनंत बार दिया गया है, तो इसको जस का तस लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये इसकी जगह हम 5 ले लेते हैं, जैसे कि 5 5 5 अंडर रूट 5 5 दिया गया है दोस्तों, तो हमारा आंसर जस का तस हो जाएगा दोस्तों, 5 आंसर ही हो जाएगा इसका। जैसे 14 दिया गया है तो 14 14 14 इंटू ऐसा दिया गया, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा दोस्तों। अगर यही दोस्तों प्लस में दिया रहता, जैसे कि 5 का अभी बनाया ना दोस्तों, 5 का दिया जाए तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे दिया रहता और अनंत बार दिया रहता दोस्तों, तो इसका आंसर हमारे साथ 2 व 3 के बीच में ही आता दोस्तों। अगर यही गुणा में दिया गया है तो इसको जस का तस लिखेंगे।